खाने में क्या है? रोटी सब्जी। रोटी क्या सब्जी? किलर है। यस। हेलो एंड वेलकम टू MFG माय फूड गली। रोटी सब्जी खा के तो कोई भी बोर हो जाए, तो क्यों ना आज हम टॉर्टिला रैप बनाएं, बोरिंग रोटी सब्जी को भी इंटरेस्टिंग बनाएं। तो चलिए फिर करते हैं शुभारंभ आज की रेसिपी की। रैप बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ वेजेस को फ्राई करूंगी, उसके लिए कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और अब मैं इसमें एक चम्मच तेल ऐड कर दूंगी। बिल्कुल हल्का सॉटे करना है सब्जियों को और तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं ये कुछ सब्जी, आधा गाजर है, 1/4 कैबेज है, पत्ता गोभी, आधी शिमला मिर्च है और एक छोटा प्याज है, इन सबको ऐड करें। फ्लेम पे सब्जियों को सॉटे करना है जस्ट एक मिनट के लिए। अब मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें और अब मैं इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ओरिगैनो है तो आप ऐड करें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हूँ, चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा पेरी पेरी। इन सब चीज़ों से रैप का जो फ्लेवर है वो इन्हांस हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो बस अब बिल्कुल इसको ऐसे मैं एक बार मिक्स कर दूँगी और जस्ट एक मिनट के लिए इसको सॉटे कर लूँगी। एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैं सॉटे कर ली हूँ और अब बस फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। और ये देखिए सब्जियाँ रेडी हैं। थोड़ा सा पनीर भी फ्राई करना है तो उसके लिए मैं एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर दी हूँ और ऑयल भी गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें छोटे छोटे पनीर क्यूब्स काट के रेडी की हूँ, इसको बस डाल दूंगी और हल्का ऐसे सॉटे कर लूंगी। थोड़े से कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देती हूँ, ये मैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करती हूँ, जस्ट 1/4 स्पून, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर है और थोड़ा सा एकदम नमक, नमक एज पर योर टेस्ट। और बस इन सबको मैं ऐसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हाई फ्लेम पे ही जस्ट फॉर अ मिनट इसको भी सॉटे कर लेना है। एक मिनट के लिए पनीर को सॉटे कर ली हूँ और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। अगर आपके पास पनीर की सब्जी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप ऐसे पनीर को सॉटे करके यूज कर सकते हो। रैप बनाने के लिए मैं एक चपाती ले ली हूँ, आप लेफ्ट ओवर रोटी भी यूज कर सकते हो, अगर बची हुई रोटी है तो उसको भी यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो फ्रेश रोटी ऐसे बना के यूज कर सकते हो आप। और अब मैं इसको बीच से 1/2 कट कर दूंगी, ये देखिए बस इतना ही ऐसे कट कर देना है बीच से। और अब मैं इसमें ये मिक्स सब्जी यूज़ करूंगी, आप अपनी पसंद का कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हो या फिर आपको अपने बच्चों को जो भी सब्जी खिलानी हो वो सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी खाना वो नहीं चाहते हैं उस सब्जी को बस आप इसमें डाल दो और रैप बना के उनको खिला दो। और अब मैं इसमें ये जो वेजिटेबल हमने स्टीर फ्राई किया था उसको भी ऐड कर दूंगी, ये देखिए एक तरफ सब्जी है एक तरफ वेजिटेबल है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा चिंग्स चटनी यूज करूंगी, आपके पास अगर चिंग्स चटनी नहीं है तो आप इमली की चटनी, धनिया की चटनी, कोई सी भी चटनी यूज कर सकते हो अपनी पसंद का। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर दूंगी, मेयोनीज ऐड करने से टेस्ट और अच्छा हो जाता है रैप का। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और इसकी जगह पे आप चीज यूज कर सकते हो। तो मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे चीज रख दूंगी और बस अब ये रेडी है। अब इसको हमें ऐसे रैप कर लेना है, ये देखिए बहुत आराम से अच्छे से ऐसे रैप कर दूंगी। अब मैं एक पनीर रैप बना के रेडी कर लूंगी, सेम प्रोसेस है। रैप को अब बस तवे पे हल्का सॉटे करना है तो उसके लिए कुछ भी आप बटर या घी जो भी आपके पास हो आप ऐसे स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद एक एक रैप को ऐसे सॉटे कर लेना है, बस हल्का सा आराम से अच्छे से ऐसे पलट दूंगी, देखिए इसे पलट दी हूँ और दोनों तरफ से बस इतना हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है ताकि थोड़ा एक क्रिस्पीनेस भी रहे रैप में तो और भी मजेदार लगता है खाने में। गर्मा गर्म रैप रेडी है सर्व करने के लिए, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और
एंजॉय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और लास्ट में बच्चों का एक्सप्रेशन देखना ना भूलें कि उनको ये रैप कैसा लगा। मैं नेक्स्ट डे आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय। वाओ, अमेजिंग।